जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 21 से आगे। अर्जुन वाच सेनयोरूपयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत यावदेता निरीक्षेहम योद्धु कामानवस्थितान केरमया सह योद्धव्यमस्मिन् रण समुद्यमे। अर्जुन बोले हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूँ कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पूछ रहे हैं। युतश्यमानावखेहम य एते अत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रियचि कीर्षव। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए इन सबको मैं देख लूँ। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनीति। संजय बोले हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजय अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख, युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख। ऐसा कहने में भगवान की यह गूढ़ भी संधि थी कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर छिपा कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन का तथा उनके निमित्त से भावी मनुष्यों का भी मोह नाश करने के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। ये भगवान ने सोचा मन में। तत्रापशस्थितान पार्थ पितृनत पिता महान आचार्यान मातुलान भ्रात्रान पुत्रान पौत्रान सखीस्तदा स्वसुरान सुरदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। उसके बाद प्रथानंद अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सूरदों को भी देखा। तान समीक्ष सकौन्तेय सर्वान बंधून अवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विशीदन्निदं ब्रवीत। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। अर्जुन वाच द्वेष्ट्वं स्वजनं कृष्ण युष्वं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे मे रोम हर्षश्च जायते गाढिवं शस्त्रे हस्त्या कतचेव परिदयते न च शक्नोम्यवस्थातुं ब्रह्मति वच मे मनः। अर्जुन बोले हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हूँ। ऐसा क्यों बोले अर्जुन? क्योंकि उनके सामने जो युद्ध करने के लिए आए थे वो सब अपने ही परिवार के लोग थे, इसलिए कृष्ण भगवान को कह रहे हैं कि इनके साथ मैं कैसे युद्ध करूँ। इस तरह आज श्रीमद् भगवद गीता का पहले अध्याय का 21 से 30 तक श्लोक खत्म हुआ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, नारायण नारायण नारायण।